हेलो दोस्तों, लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशांत आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो एक नए लैपटॉप के साथ। जैसा कि आपको समझ में आ चुका है, आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं ASUS की ZenBook। जी हां, आप देख रहे हैं ASUS ZenBook हमारे सामने रखी हुई है। आज हम इसको अनबॉक्स करेंगे और इसका बैक पैनल भी ओपन करके आपको दिखाएंगे। इसके सारे फीचर्स, इसकी सारी स्पेसिफिकेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये लैपटॉप हमें मिला है दिल्ली में यमुना विहार में ASUS एक्सक्लूसिव स्टोर है, वहां से हमें ये लैपटॉप मिला है। अनबॉक्स होने के बाद ये लैपटॉप उसी एक्सक्लूसिव स्टोर के थ्रू कंपनी के पास वापस चला जाएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा लैपटॉप मास्टर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ लैपटॉप मास्टर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आगे आने में जो भी हम लैपटॉप की वीडियोस बनाएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, करते हैं लैपटॉप को अनबॉक्स। तो दोस्तों लैपटॉप हमने अनबॉक्स कर लिया है। आप जो भी बॉक्स में हमें मिला है वो आपके सामने है। जैसे कि हर बॉक्स में मिलता है मैनुअल, 65 वॉट का टाइप सी पावर एडेप्टर आपको इसमें मिलता है। लाइट वेट लैपटॉप है, जितने भी लाइट वेट आते हैं अधिकतर मोस्टली सब में हमें टाइप सी एडेप्टर देखने को मिलता है। ये पावर कोड जो इसके साथ हमें मिली है, इसमें एक स्लीव एक्स्ट्रा है जो आपको बहुत कम, जैसे एचपी के स्पेक्टर्स के अंदर पहले आपको देखने को मिलती थी, वही ASUS ने अपने ZenBook में आपको स्लीव दी है। अगर आप इनका बैकपैक कैरी नहीं करना चाहते तो आप स्लीव में रखे, आप जो भी बैग कैरी कर रहे हैं उसके अंदर आप रख सकते हैं। और यह है हमारा लैपटॉप। देखिए सबसे पहले कलर की बात करें तो पॉन्डर ब्लू कलर के अंदर ASUS ने यह लैपटॉप दिया है। वेट की बात करें, 1.2 kg का यह लैपटॉप है। हम पहले इसको एक हाथ से ओपन करने की कोशिश करते हैं, एक हाथ से ओपन हो गया है। अगर हम इसकी स्लीकनेस की बात करें, 14.9 mm का ये लैपटॉप है। आप देखिए बहुत स्लीक लैपटॉप है, बहुत लाइट वेट लैपटॉप है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी ASUS ने अपनी ZenBook के अंदर दी है। बैक पैनल की बात करें तो वही रबड़ ग्रिप्स और वही वेंटिलेशन इसमें आपको देखने को मिलेगा। ZenBook में इसके अंदर जो कंपनी दे रही है वो बाकी कंपनी से डिफरेंट होता है। अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं, जब आप देखेंगे कि 14 इंच के लैपटॉप में न्यूमेरिक कीपैड नहीं आता है, लेकिन ASUS ने इसमें आपके माउस पैड के अंदर ही न्यूमेरिक कीपैड दिया है। यहां पे ये आपको न्यूमेरिक कीपैड मिलता है। यहां कॉर्नर पे आप इसको 1 सेकंड तक भी ओपन प्रेस करके रखेंगे तो इसकी लाइट्स ऑन हो जाएंगी, आपका न्यूमेरिक कीपैड एक्टिव हो जाएगा, आपका माउस पैड भी वर्क करेगा और न्यूमेरिक कीपैड भी। आप इसको मूव करेंगे, वर्किंग होगी आपकी माउस की। जब आप इस पर प्रेस करेंगे किसी पे कि 1 2 3 5 6 तो वो नंबर की भी आपको काम करेगा। ये फीचर्स जो ASUS को अलग बनाता है, बाकी अभी तक हमने किसी भी लैपटॉप में देखने को नहीं मिला है, जो आपको ASUS की ZenBook में ही देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लैपटॉप को ओपन करते हैं। इतने इसके पोर्ट्स दिखेंगे, फिर लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन और लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करके आपको दिखाएंगे। अगर हम इसके पोर्ट्स की बात करें तो लैपटॉप के लेफ्ट साइड में सिर्फ एक पोर्ट आपको मिलता है, USB टाइप ए आपको पोर्ट मिलेगा 3.2 Gen 1। और अगर हम दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको 4 पोर्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहला पोर्ट है हमारा HDMI 2.1 आपके प्रोजेक्टर LED TV कनेक्ट करने के। आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलेगा जिससे आप अपने स्पीकर हेडफोन कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ में आपको मिलते हैं 2 पोर्ट मिलेंगे टाइप सी थंडरबोल्ट इसमें 2 हैं। इसी से आप लैपटॉप को चार्ज भी कर सकते हैं जिसमें आपकी स्पीड फास्ट होती है चार्जिंग की। तो चलिए दोस्तों कॉन्फिगरेशन की बात करें तो बात आती है CPU की। इंटेल कोर अल्ट्रा 5 125H इसमें प्रोसेसर है। बेस स्पीड 3.6 GHz है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 4.5 GHz है। कोर्स की बात करेंगे 14 कोर्स हैं, इंटेल का प्रोसेसर है तो नेचुरल हमें बात करनी पड़ेगी परफॉर्मेंस कोर, एफिशिएंट कोर की भी। अल्ट्रा प्रोसेसर है हमें, उसमें लो पावर एफिशिएंट कोर भी मिलते हैं। 14 कोर में हमें 4 परफॉर्मेंस कोर मिलते हैं, 8 एफिशिएंट कोर मिलते हैं और 2 हमें मिलते हैं लो पावर एफिशिएंट कोर। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी परफॉर्मेंस कोर की 4.5 है, एफिशिएंट कोर की 3.6 है और लो पावर एफिशिएंट कोर की है 2.5 GHz। आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें कोर्स के बारे में। आप हमेशा ये याद रखिएगा कि आपके जो मेन परफॉर्मिंग कोर्स होते हैं वो आपके परफॉर्मेंस कोर ही होते हैं। लॉजिकल प्रोसेस की बात करेंगे 18 है और L3 कैशे की बात करेंगे तो 18 MB आपको L3 कैशे इसमें मिलती है। मेमोरी की बात करेंगे तो आपको इसमें मेमोरी मिलती है 16 GB LPDDR5X इसमें आपको मेमोरी मिलती है। स्पीड जिसकी 7467 MHz है। अब इंसुलेटेड है या नहीं है वो लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करेंगे तब आपको दिखाएंगे। इसकी बात करेंगे 1 TB की आपको जेन 4 की इसमें SSD मिलेगी जिसकी कैपेसिटी 954 GB है। GPU इंटेल आर्क ग्राफिक्स है, डेडिकेटेड नहीं है, इनबिल्ट ग्राफिक्स है। पहले जैसे हम देखते थे
इंटेल एचडी ग्राफिक्स आता था, फिर इंटेल आयरिस ग्राफिक्स आया, यूएचडी ग्राफिक्स आया। अब जो इंटेल अपने अल्ट्रा कोर्स के अंदर लेके आ रहा है वो है आपका इंटेल आर्क ग्राफिक्स। इसमें कोई भी अपनी डेडिकेटेड मेमोरी नहीं होती, जो भी शेयर होती है वो रैम को शेयर करता है। जैसे शेयर जीबी मेमोरी है 7.7 जीबी, टोटल भी आपकी 7.7 जीबी है। कभी भी इसको आप भूल मत करिएगा कि इसको आप डेडिकेटेड मान लें। और अगर आपने ग्राफिक्स का वर्क करना है या फोटोशॉप आप जैसे कहते हैं हैवी एडिटिंग करनी है, हैवी गेमिंग में, ये वर्किंग नहीं करेगा। ये यहाँ आ जाता है एनपीयू, जो हमें देखने को सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रा प्रोसेसर्स के अंदर देखने को मिलता है, जिसमें आपका एआई बूस्टअप के लिए ये एनपीयू है, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपका वर्क करता है एआई बूस्ट करने के लिए स्पेशली। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, ये अल्ट्रा 5 प्रोसेसर, जैसे मैं आपको फिर बता रहा हूं, अल्ट्रा 5 प्रोसेसर 125H, ये टोटली कोर सीरीज से अलग है। जो कोर i3 i5 i7 आ रहे थे, ये अल्ट्रा 5 i5 का रिप्लेसमेंट है, अल्ट्रा सीरीज की फर्स्ट जनरेशन है 125H। और दोस्तों जो अभी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हुए हम वॉइस रिकॉर्ड कर रहे थे, वो हम इसी माइक से कर रहे थे, लैपटॉप के माइक से, जिसकी इसकी क्लैरिटी भी आपको पता चल जाए। दोस्तों हम अपने यहाँ पे साथ में एक म्यूजिक प्ले करके, बिल्कुल साथ में माइक के बिल्कुल साथ में प्ले कर रहे हैं म्यूजिक, और साथ में हम अपनी वॉइस भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि नॉइस डिटेक्शन कैसा है इस लैपटॉप का। क्योंकि जब भी आप कॉन्फ्रेंस करेंगे या मीटिंग करेंगे तो आसपास की नॉइस सामने वाले को जाती है या नहीं जाती, हम वो भी चेक करेंगे। आज की डेट में ये भी काफी मैटर करता है। तो हमने रिकॉर्डिंग कर ली है, अभी आप सुन रहे थे म्यूजिक के साथ मेरी आवाज सुन रहे थे। अब हम देखते हैं कि इसमें जो रिकॉर्ड करी गई है हमारी साउंड को, उसमें बैकग्राउंड कितना आ रहा है। दोस्तों हम अपने यहाँ पे साथ में एक म्यूजिक प्ले करके, बिल्कुल साथ में माइक के बिल्कुल साथ में प्ले कर रहे हैं म्यूजिक, और साथ में हम अपनी वॉइस भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि नॉइस डिटेक्शन कैसा है इस लैपटॉप का। क्योंकि जब भी आप कॉन्फ्रेंस करेंगे या मीटिंग करेंगे तो आसपास की नॉइस सामने वाले को जाती है या नहीं जाती, हम वो भी चेक करेंगे। आज की डेट में ये भी काफी मैटर करता है। देखिए जैसे कि आप सुन रहे थे कि मेरी वॉइस आ रही थी, बैकग्राउंड म्यूजिक भी आपको सुनाई दे रहा था, तो अगर हम इसको नॉइस रिडक्शन में तो कहेंगे तो नॉइस रिडक्शन के अंदर बहुत ज्यादा कामयाब हमें ये नहीं दिखाई दिया है। अगर हम स्क्रीन की बात करें तो ASUS ने इसमें 14 इंच का 3K ऑलिड ग्लोसी डिस्प्ले आपको इसमें दिया है, जिसका रेजोल्यूशन 2880x1800 हमको मिलता है। एस्पेक्ट रेशियो की बात करें तो 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो है, 120Hz का रिफ्रेश रेट है, 500 nits आपको इसमें ब्राइटनेस मिलती है, और 100% sRGB का इसमें आपको डिस्प्ले मिलता है। वेबकैम हमने देखा, इसमें फुल HD कैमरा आपको मिलता है विद IR फंक्शन और डुअल माइक्रोफोन एरे के साथ, और इसके वेबकैम में आपको प्राइवेसी शटर भी मिल जाता है। कीबोर्ड बात करेंगे, फुल साइज चिकलेट कीबोर्ड आपको इसमें मिलता है, जिसमें इमोजी बटन्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों लैपटॉप हमने ओपन कर लिया है। सबसे पहले देखिए, आज की डेट में मदरबोर्ड खत्म ही होता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब लैपटॉप में मदरबोर्ड लगता ही नहीं है। आप देखेंगे मोर देन 50% जो एरिया कवर कर रखा है इस लैपटॉप का, वो बैटरी ने कर रखा है। तो चलिए फिर भी देखते हैं, यहाँ फैन लगा हुआ है, आप देखेंगे फैन कनेक्टेड है हीट सिंक से, आपका प्रोसेसर, यहाँ हमारा प्रोसेसर है हीट सिंक के थ्रू कनेक्टेड है फैन से। हालांकि एच प्रोसेसर है, लेकिन फिर भी हम कई बार देखते हैं एच प्रोसेसर में हमें दो फैन मिलते हैं, यहाँ पे एक फैन ही ASUS ने काफी हैवी दिया है। उसके साथ में आप देखेंगे 1TB की SSD साफ साफ दिखाई दे रही है आपको, और दूसरी तरफ हम देखेंगे वहां रैम है, रैम सोल्डर्ड है, इनबिल्ट रैम है जो आप अपग्रेड नहीं कर सकते, SSD भी आप ये रिमूव करके ही अपग्रेड कर पाएंगे। यहां देखें यहां वाईफाई है, वाईफाई भी हमें यहां पे देखने को मिलेगा, वो भी इनबिल्ट दे रखा है, सोल्डर्ड है, आप इसको भी अपग्रेड नहीं कर सकते। वैसे मोस्टली लैपटॉप में वाईफाई अपग्रेड नहीं होता, लेकिन हम उसको रिमूव कर सकते थे, कभी खराब हो जाता तो हम चेंज कर सकते। यहाँ पे इसको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वो सोल्डर्ड है। बात करेंगे बैटरी की, जो अगर हमने लैपटॉप ओपन कराया तो देखा बैटरी ही सबसे मेन इसमें दिखाई दे रही है, 4 सेल की बैटरी है, 75 वर्क आवर्स की। अगर हम बैटरी के बैकअप की बात करेंगे तो कंपनी क्लेम करती है 15 आवर्स का बैटरी बैकअप आपको मिलता है, लेकिन अगर हम मान के चलेंगे अप्रोक्सीमेटली आपको 10 आवर्स का बैटरी बैकअप आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए दो आपको स्पीकर देखने को मिलेंगे, हरबन का साउंड है इसके अंदर, दो यहाँ पे स्पीकर हमने प्ले करके देखा था, काफी शानदार है, हम आपको दिखाएंगे भी, लेकिन क्वालिटी आपको नहीं पता चल पाती साउंड की, इसलिए हम स्पीकर की क्वालिटी ज्यादा टेस्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज हमने अनबॉक्स किया ASUS की ZenBook को। देखिए अगर मैं इसकी फीचर्स की बात करूं तो अल्ट्रा 5 हमने प्रोसेसर देखा, 16GB रैम देखी, 1TB SSD देखी, बहुत लाइट वेट है, 1.2 kg का है, 14.9 mm थिन एंड लाइट लैपटॉप है। हमने ये भी देखा इसकी बैटरी 60% तक चार्ज हो जाती है सिर्फ 49 मिनट्स के अंदर। स्क्रीन भी हमें इसमें ऑलिड देखने को मिली है, टच स्क्रीन है, मतलब अगर हम इसकी बात करें तो देखिए ASUS ने फीचर्स तो काफी देने की कोशिश करी है,
अगर मैं इसकी प्राइसिंग भी बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख का प्राइसिस आसूस ने अपने इस लैपटॉप का रखा है। थंडरबोल्ट पोर्ट दिए हैं, सब कुछ एक पूरा पैकेज इसमें दिया है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम इसको या तो हम टच अगर हम देते हैं तो हमें 360 डिग्री लैपटॉप बना देना चाहिए। अगर टच नहीं दे रहे तो, क्योंकि 180 डिग्री का लैपटॉप का मुझे सिस्टम समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप 180 डिग्री पे वर्किंग नहीं करते हो, या तो 360 पे करेंगे, आप 60-70 डिग्री पे इसी तरीके से लैपटॉप पे वर्किंग करेंगे। अदरवाइज लैपटॉप का अगर मैं रिव्यू करूं तो जिस प्राइस में, 1 लाख के प्राइस में आपको अल्ट्रा 5 के अंदर, वो भी 125H प्रोसेसर भी, याद रखिएगा एच प्रोसेसर है, यू प्रोसेसर नहीं है, 1 TB 16 GB OLED 3 के हमने देखी स्क्रीन है, तो ये लैपटॉप इस रेंज के अंदर मुझे बहुत परफेक्ट लगा। बस मैं यही आसूस से कहना चाहूंगा कि जब हम ज़ेनबुक को इसमें लेके भी आ रहे हैं तो या तो इसको हम 60-70 डिग्री रखें, टच ना रखें, क्योंकि टच का बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट नहीं होता है जब हम इसको 360 डिग्री नहीं करते हैं। अगर हम आपके सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें आपको विंडोज 11 होम और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 होम एंड स्टूडेंट इसके साथ मिलेगा लाइफ टाइम के लिए। अगर बात करें वारंटी तो आसूस इसके साथ आपको 1 ईयर की ऑन साइट वारंटी देता है। अगर आप एक्सटेंड कराना चाहें तो एक्सटेंड करा सकते हैं, आप एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मल अपग्रेड करना चाहें 1 ईयर से 3 ईयर तो आप वो भी कर सकते हैं। आसूस बहुत नॉमिनल प्राइसेस के अंदर वारंटी अपग्रेड कर देता है। और हमेशा की तरह मैं आपको यही कहना चाहूंगा, जब भी आप वारंटी अपग्रेड करें तो हमेशा उसी ब्रांड की करिएगा जिस ब्रांड से आप लैपटॉप ले रहे हैं, कभी भी थर्ड पार्टी मत करिएगा। काफी बड़े बड़े स्टोर्स अपनी वारंटी देते हैं, मैंने मार्केट में बहुत लोगों को देखा, मार्केट में लोग घूमते रहते हैं, उनको वारंटी नहीं मिलती है, प्रॉब्लम्स आती है। इसीलिए जब भी आप कोई लैपटॉप लें उसी ब्रांड की वारंटी अपग्रेड कराइएगा, अदर ब्रांड की आप वारंटी मत अपग्रेड करिएगा। अगर आपने आसूस का कोई भी लैपटॉप लेना है तो दिल्ली के अंदर यमुना विहार में आसूस एक्सक्लूसिव स्टोर है, जिसके नंबर हमने नीचे दे रखे हैं, आप यहां पे कॉन्टेक्ट करके बात कर सकते हैं, काफी अच्छे डिस्काउंट आपको यहां पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारा लैपटॉप मास्टर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो दोस्तों हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में नए लैपटॉप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।